हेलो फ्रेंड्स, मीनूज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ गर्मी से बचाने वाली रेसिपी आम पन्ना की। इसे पीने के बाद आपको लू नहीं लगेगी, शरीर को बहुत ठंडक प्रदान करेगा ये ड्रिंक। तो चलिए इस आम पन्ना को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं कोई भी न्यू रेसिपी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए बनाते हैं लू से बचने वाले ड्रिंक आम पन्ना। आम पन्ना बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो कच्चे आम ले लिए हैं। ग्राम में मापा जाए तो ये 300 ग्राम के करीब आम है। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है, अब इसे हम छील लेते हैं। ये मैंने दोनों आम छील लिए, छिलका हटा लेते हैं। अब आम को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और इसकी अंदर की जो गुठलियां होती है उसे हटा देंगे। ये मैंने आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, अब हम इसे उबाल लेते हैं। अब एक स्टील का बर्तन ले लेंगे जिसमें हम आम को उबालेंगे। आम को उबालने के लिए आप स्टील का बर्तन ही यूज़ करें और इसमें हम डाल देते हैं जितना आम है उतना ही पानी हमें डालना है, जिससे कि आम जो है पानी में डूब जाए अच्छे से। ये मैंने पानी डाल दिया, आम जो अच्छे से डूब गया है। अब इसे हम गैस पर चढ़ा लेते हैं। ये मैंने गैस पर चढ़ा दिया, अब इसे हम उतनी देर पकाएंगे जितनी देर में जो है आम जो है एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए। तो इसका ढक्कन लगा के हम पकने देते हैं इसे। आम को एक दो बार बीच में उलट पुलट करके चला दे, जिससे कि हर तरफ से वो अच्छे से पक जाएगा। आम जो है वो अच्छे से उबल गया है। एक आम चेक कर लेते हैं हम निकाल के। ये देखिए अच्छे से दब रहा है, यानी कि ये अच्छे से पका हुआ है। अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं, इसे अच्छे से ठंडा होने देते हैं। आम जो है वो अच्छे से ठंडा हो गया। अब हम इसे एक जार में ले लेंगे। तो पानी सहित हमें जार में ले लेना है, पानी हमें यहाँ पे फेंकना नहीं है। ये मैंने सारे आम को जार में डाल दिया। अब इसमें हम डाल देते हैं एक चम्मच सौंफ। इस सौंफ को मैंने 2 घंटे के लिए पानी में डाल दिया था फूलने के लिए, वो डाल दिया है। सौंफ जो है वो पेट में ठंडक प्रदान करता है, तो सौंफ जरूर डालें, क्योंकि ये हम ऐसे भी गर्मी में बना रहे हैं तो बहुत फ़ायदा करेगा। साथ ही हम डाल देंगे 1 कप चीनी। चीनी की क्वांटिटी जो है वो आम पे डिपेंड है, खट्टा मीठा आम होता है उस हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। साथ ही हम डाल देंगे काला नमक और साथ में हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर। अब इसे हम एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब यहाँ पे एक प्लेट में काला नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची को मिक्स करके ले लिया है मैंने। ग्लास के रिब पे हम नींबू लगा लेंगे और इसे नमक और मिर्च के पाउडर में इसके रिब को पलट के लगा देंगे। ये ऑप्शनल है, डेकोरेशन के लिए होता है, आप लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं तो नहीं लगा सकते हैं। ये मैंने अच्छे से नमक लगा लिया इस पे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से आइस क्यूब्स, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें नहीं तो नहीं डालें, नॉर्मल पानी में भी आप इसे बना सकते हैं। और जो हमने आम के पल्प को पीस के बनाया था वो हम आधा ग्लास यहाँ पे डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा ग्लास ठंडा पानी, यहाँ पे आप सोडा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से पुदीना के पत्ते तोड़ के डाल देंगे। अभी से एक बार मिक्स कर देते हैं। ये अच्छे से मिक्स कर दिया। अब सजाने के लिए लगा देंगे इसमें थोड़े से नींबू के स्लाइस। और साथ में हम डाल देंगे थोड़े से पुदीना के पत्ते ऊपर से।
ये हमारा आम पन्ना बन के तैयार हो गया। आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये आम पन्ना की रेसिपी आपको कैसी लगी।